महादेव। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगे शमशान घाट। कितना अच्छा वावा का हो सकता है, लेट्स सी। पता नहीं था मुझे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। दिस इज आवर थर्ड डे इन वाराणसी एंड दिस विल बी द लास्ट डे ओवर हियर। So if you have not seen the previous vlogs of last two days vlogs, you can check that out up in the cards or in the description box. 12वीं सदी में वरुणा और 80 नदियों के बीच में बसा वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी शहरों में से एक है। ये एक ऐसा शहर है जहां आप जब भी आए, जहां से भी आए, खुद को आप इतिहास के पन्नों पर ही कही पाएंगे। अब इसको आप चाहे वाराणसी बुला लो, बनारस बुला लो या काशी, इस शहर की अर्थ, आस्था, इस शहर की मिठास और इस शहर से जुड़े हर एक एहसास एक ही रहने वाली है। तो भोले की नगरी, शिव की काशी में ये रहा हमारा तीसरा दिन। So now we are beginning the last day over here with a beautiful morning boat ride. अभी 7:30 बजे है सुबह के। कोशिश तो कर रहे थे 6:30-7 बजे तक आने के लिए, पर ठीक है, थोड़ा लेट हो गया। अभी भी it is very pretty, it's looking very pretty. सामने घाट है, देख रहे हैं। तो हमारा जो घाट है पांडे घाट, वहाँ से वील टेक अ बोट विथ टू ऑफ आर अदर फ्रेंड्स। उनके साथ पूरा यहाँ से फिर टूर शुरू होगा, कंप्लीट घाट टूर होगा आज। अभी तो फाइनली बोट राइड इज ऑन विथ this beautiful ride on the last day. कितना मजा आता है ना, अगर सोशल मीडिया पे बने हुए अपने ही शहर के दोस्त पहली बार अचानक से किसी और शहर में जाके मिल जाते हैं, फिर आपके प्लान का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ वाराणसी में शुभ्रन और कुशल के साथ। और ये सभी के लिए अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पर बोट्स 1500 से 1600 चार्ज करते हैं दशाश्वमेध या कोई भी घाट से 80 घाट तक और वापस 80 घाट से दशाश्वमेध तक आने के लिए। और इनिशियली मैं और अदृश्य थे तो हम दोनों को थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता, पर बाद में वो चार लोगों में डिवाइड हो गया। गलियां और घाटों के बाद अब गंगा मैया के गोद में एक नाव से बनारस को देखना, बनारस की सुबह की खूबसूरती को अनुभव करना सुकून से कुछ कम नहीं था। इस पूरे सफर में मन ही मन मैं तो एक ही गाना बार बार दोहरा रही थी, द सॉन्ग दैट हिट्स वेरी डिफरेंटली व्हेन यू आर इन बनारस। नैनों की ढाक ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी तो के मैया, जाना बार कैसे नाजुक सी नैया। जी हाँ, अब चौंकिए मत, मैं थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। वी आर डन विद द बोट राइड। अभी 8:30 बजा है तो हम दशाश्वमेध घाट के पास उतरे और यहाँ से अभी काशी विश्वनाथ जाने वाला है, तो उसका भी
लाइन लगता है काफ़ी, क्या से देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम लोग दशाश्वमेध घाट के पास उतरे और दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच का एक रास्ता लिए काशी विश्वनाथ जाने के लिए। अभी मेन रास्ता तो नहीं लिए, एक काशी विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर है, वो गली उससे जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में टोटल 7 गेट्स है, 7 गेट्स, और कॉरिडोर के ये 7 गेट्स मंदिर के 2 मेन एंट्रेंसेस से जाके कनेक्ट होते हैं। अब ये कॉरिडोर का कौन सा गेट किस तरफ है, कौन सा गली किस गेट की तरफ जा रहा है, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है, भूल भुलैया लगता है यहाँ पे। तो गाइड्स रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे, दे कैन इजीली गाइड यू टूवर्ड्स द गेट। पहले हम भी एक गाइड के साथ ही जा रहे थे, पर हम जिस दुकान से पूजा के लिए डाली लिए वहाँ से दे शोड अस द वे, तो गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी बाद में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस भी दुकान से हम पूजा के सामग्री या डाली ले रहे हैं वहाँ पर लॉकर्स भी होता है, वहाँ पर अपना पूरा कैमरा, फ़ोन, स्मार्ट वॉच, इवन की मेडिसिन, वाटर बॉटल या कुछ एडिबल कुछ भी नहीं लेके जा सकता है अंदर, सिर्फ और सिर्फ मनी बैग अपने साथ लेकर बाकी सब या लॉकर में रख के जाना होता है। डाली यहाँ पर बहुत सारे है, बड़ी छोटी डिफरेंट रेट्स में है। ये बाबा का माला है, ये भस्म का पैकेट है बाबा का, ये एक और देना हाँ। और ये 100 रुपीज का अन्नपूर्णा का है। मेरी बात सुन लीजिए, उधर जब जाएंगे अंदर मंदिर में तो वहाँ पे 2 मंदिर है, अन्नपूर्णा विश्व है, ठीक है। तो पहले विश्वनाथ जी दर्शन कीजिएगा, अन्नपूर्णा जाइएगा, वहाँ भोग प्रसाद चलता है, ठीक है। अगर भोग प्रसाद करना होगा तो भोग प्रसाद कर सकते हैं, और अन्नपूर्णा जी से चावल जरूर मांगिए। उसका टोटल कितना है? 300 है, 200 बाबा विश्वनाथ, 100 अन्नपूर्णा। हर हर महादेव। 3 घंटे बाद अभी 12:30 बजे दर्शन कंप्लीट करके हम जहाँ से शुरू किए थे आराध्या वाले के दुकान पे, आंटी के दुकान से यहाँ पर आए हैं। ऐसे फिर अभी सामान लेके घाट की ओर जाएंगे, खाना है अभी कुछ, बहुत भूख लगी। हमारे पास उस दिन टाइम थी तो हम लाइन में ही लग गए और 3 घंटा लग गए पूरा दर्शन कंप्लीट करने के लिए। और एक रास्ता है जिससे जल्दी होता है, जिसको VIP गेट बोलते हैं, 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है उसके लिए। जिस दुकान से हम डाली लिए थे उस दुकान के भैया ने हमें बाद में कॉरिडोर के उस पोर्शन में लेके गए जहाँ से विश्वनाथ मंदिर क्लियरली दिखता है और फोटो वीडियो भी ले सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 2 जाते वक्त श्री विशालाक्षी माता शक्तिपीठ मंदिर है, जो इंडिया के 51 में से एक शक्तिपीठ है, पर हम लोग यहाँ अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत भीड़ था। काशी विश्वनाथ धाम इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पे हम रानी अहिल्याबाई होलकर की स्टैचू देख सकते हैं, जिन्होंने 1780s में काशी विश्वनाथ धाम को रिकंस्ट्रक्ट की थी आफ्टर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बाकी 11 ज्योतिर्लिंग के नाम पे मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पर एक भारत माता की मूर्ति और भारत माता की मंदिर भी है, विच इज डेडिकेटेड टू आवर कंट्री इंडिया। आउट ऑफ द 7 गेट्स ऑफ द कॉरिडोर एक गेट जलासीन घाट के ऊपर है, तो घाट से भी डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ। बेसिकली यहाँ कॉरिडोर के गेट्स तक तो कैमरा फोन लेके जा सकता है, पर मेन 2 एंट्रेंसेस पे चेकिंग होता है और वहाँ पे रोक देते हैं। काशी विश्वनाथ धाम और जलासीन घाट के बाद है मणिकर्णिका घाट, विच वी ऑल नो इज अ बर्निंग घाट, जहाँ पे डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। काशी एक ऐसा शहर है जो एक तरफ जीवन की अर्थ समझाती है तो दूसरी तरफ मृत्यु की अहमियत भी। ऐसा माना जाता है कि जिनका भी दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। या कुछ देर बैठने पर ऐसा लगता है जैसे सारे ख्याल जुनून बन जाते हैं और सारे सवाल सुकून।
मणिकर्णिका घाट पर रत्नेश्वर महादेव टेम्पल इज वन ऑफ द टू लीनिंग टेम्पल्स इन द वर्ल्ड. वेल, इट वॉज नॉट बिल्ड दिस वे, पर इसको श्रापित माना जाता है. एक श्राप की वजह से ये मंदिर ऐसा हिल गया है. While the Leaning Tower of Pisa is tilted by 4 degrees, Ratneshwar Mahadev is tilted by 9 degrees. And here is to the incredibility of India. Mahadev, duniya mange sona chandi, hum mange samsan ghat. Ulti kopri, ulti gyan ma, budhni baap se dan jai ho masan. Baba, Mahadev. हम लोग लिए एक रिक्शा गदोलिया वाला चौराह से और लोग अभी जा रहे हैं ठटेरी बाजार टू ट्राई फ्यू मोर स्पेशलिटीज ऑफ वाराणसी. एक लाइक तो बनता है क्योंकि ये मैडम मणिकर्णिका घाट पे शहीद होने वाली थी. आप लोगों को लिए वीडियो लेते लेते एक बैल था, वो पता नहीं उसको क्या हो गया अचानक से, मतलब और दो तीन सेकेंड अगर इधर उधर होता तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी. अटैक ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन शुक्र है भगवान का, विश्वनाथ का, कि कुछ हुआ नहीं. Well, if you don't want to hop much and if you want to try few specialities at one place, then I would say Thatheri Bazaar is the place to be. Thatheri Bazaar की गलियों में बनारस की फेमस मिठाई से लेकर के कचौड़ी, बनारसी पान, मलाइयो, लस्सी सब कुछ मिल जाएगी. Let's try the Banarasi Paan. It's a very famous Banarasi Paan over here. And we were looking for a very famous shop, Shirji, जहाँ से हम मलाइयो ट्राई करना चाहते थे, which is a sweet winter delicacy of Banaras. पर शिरजी में मलाइयो 10 बजे तक ही खत्म हो जाता है, इतना डिमांड है उसका, तो हमें मिली नहीं. इंस्टेड हम और एक छोटी बट बहुत पुरानी दुकान से ट्राई किए मलाइयो. फाइनली मलाइयो भी मिल गई यहाँ पे. मतलब सारी जगह भी बोल रहे हैं कि बंद हो गया, नहीं है, तो फाइनली मिली है. देखिए राम भंडार जाके कचौड़ी बड़ा फेमस है, अभी तो वो बंद है तो खा नहीं पाए, तो लेट्स सी कहाँ पे मिलता है अभी कचौड़ी. अभी कचौड़ी खाने का तो टाइम है नहीं, ऑलमोस्ट दोपहर 2 बज गए, 3 बजने वाला है, पर जस्ट टू टेस्ट यहाँ पे एक बहुत पुरानी दुकान से कचौड़ी टेस्ट कर रहे हैं. कुछ कुछ का जगहों में फेमस है लाइक राम भंडार, पर ओवरऑल पूरी वाराणसी में दिस कचौड़ी एंड सब्जी इज अ हिट एक्चुअली. टटेरी बाजार में नॉर्मल लस्सी तो अनडाउटेडली अच्छा है, बट द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू ट्राई लस्सी इन वाराणसी इज फ्रॉम ब्लू लस्सी शॉप, जो कि टटेरी बाजार से थोड़ा आगे काशी विश्वनाथ टेम्पल के गेट नंबर 4 के पास कचौड़ी गली में है, जो हमें ऑनेस्टली पहली बार लोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. बट दिस वन इज वेरी फेमस, तो कोई भी दिखा सकता है आपको रास्ता. टटेरी बाजार में जो भी ट्राई किए हम लोगों ने और यहाँ पे 2 लस्सी ट्राई किए, सब आपको इन माई नेक्स्ट व्लॉग वाराणसी फूड व्लॉग में डिटेल्स में दिखाएंगे और रिव्यूज भी देंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. पहली बार टेस्ट कर रहे With complete flavor. कितना अच्छा गुआवा का हो सकता है लस्सी, पता नहीं था मुझे. तो नाउ वी आर गोइंग टू द दुर्गा मंदिर, नगाड़ा स्टाइल दुर्गा मंदिर जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे. रिक्शा लिए फिर से गदोलिया से, रिक्शा से जा रहे हैं, 3 किलोमीटर अप्रॉक्स है, फिर वहाँ से अगेन हॉस्टल में कुछ काम है तो वहाँ जाएंगे, और शाम को तो गंगा आरती मिस नहीं करनी है आज, देखते हैं. गदोलिया वाला चौराह से दुर्गा मंदिर रिक्शा लिए थे तो 90 रुपीस बोल रहा था, और दुर्गा मंदिर से वापस बंगाली टोला हमारे हॉस्टल के पास आए तो 200 रुपीस लिया, या ऐसे ही रेट्स है रिक्शास के, 3-4 किलोमीटर के लिए 90-100 लेते हैं.
इस दुर्गा मंदिर को दुर्गा कुंड मंदिर भी बोला जाता है, जो कि 18 सेंचुरी में बनाई गई थी रानी भवानी, नाटोर की रानी भवानी के द्वारा, और यहाँ पर एक टिपिकल नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अभी बजा है 5:30 और वी आर बैक फ्रॉम दुर्गा मंदिर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर गंगा आरती। तो अभी थोड़ा हॉस्टल जा रहे हैं बैग्स अरेंज करने के लिए, क्योंकि हम आज ही निकल रहे हैं, आज रात को ट्रेन है हमारा। तो बैग्स अरेंज करके थोड़ा फ्रेश होके फिर गंगा आरती के लिए भी निकलेंगे। तो अभी 6 बजा है, 6 in the evening। अभी घाट पर है, घाट मतलब पांडे घाट से दशाश्वमेध की तरफ जा रहे हैं। आरती वहीं पर होती है, टू सी दैट एंड एक्सपीरियंस दैट एंड होपफुली आज मिल जाए आरती, पता नहीं, मिलना तो चाहिए आज। तो लेट्स सी, दिखाते हैं आपको यहाँ का गंगा आरती। विंटर्स में गंगा आरती 6:15 से शुरू होती है और 7:30 तक ख़त्म हो जाती है, पर अच्छे से आरती देखने के लिए अगर जगह चाहिए तो 6 बजे से पहले पहुंच जाना बेहतर होता है। इनिशियली वी वर ट्राइंग टू स्पॉट फॉर अ परफेक्ट प्लेस टू वॉच द आरती, बट ग्रेजुअली मुझे सामने बोट में जगह मिल गई बैठने की। घाट से देखने में तो अच्छी है बहुत, बट आई थिंक बोट से आरती की एक्सपीरियंस और भी अच्छी होती है। और अगर बनारस के घाटों में आखिरी कुछ पल ऐसे बिताए जाए तो अलग ही सुकून मिल जाती है। एंड आफ्टर वॉचिंग अ वंडरफुल गंगा आरती, अभी 7 बजा है, हॉस्टल की ओर जा रहे हैं। वी आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ दिस जर्नी, हॉस्टल से अभी निकलना है, डिनर करके निकलेंगे। अब डिनर कहाँ करते हैं क्या करते हैं वो भी दिखाने वाले हैं, फिर विल बी हेडिंग टू द मुगल सराय स्टेशन आज, क्योंकि आज हमारा ट्रेन है। वी फाइनली सेड गुड बाय टू आवर हॉस्टल एंड अभी ऐसे सामने जो टोटो मिला, टोटो से हम जा रहे हैं हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, और उसके साथ साथ डिनर भी, डिनर के लिए एक जगह जा रहे हैं और वहाँ से फिर सीधा स्टेशन। हम लोग डिनर के लिए वाराणसी का एक पॉपुलर रेस्टोरेंट जा रहे थे जो रेलवे स्टेशन के पास है, और वाराणसी सिटी से रेलवे स्टेशन के साइड जाने के लिए 150 लगा टोटो में। नाउ बाटी चोखा इज अ वेरी रिकमेंडेड एंड ऑथेंटिक रेस्टोरेंट इन वाराणसी, यहाँ का बाटी चोखा सबसे ज्यादा फेमस है लोगों में एंड दे हैव मेंटेन्ड देयर क्वालिटी फॉर इयर्स नाउ। So when in Varanasi, there is one more speciality which is Bati Chokha from Bati Chokha restaurant. So just before leaving Varanasi, we have come here for dinner. So chutneys are already here. So hum dekhte hain Bati kab tak aata hai aur fir khake batate hain.
जैसा कि मैंने पहले बताई, ये रेस्टोरेंट वाराणसी जंक्शन के पास है, तो अगर हमारी ट्रेन वाराणसी से होती तो काफ़ी ईजी होता हमारे लिए, पर हमें जाना था दीनदयाल उपाध्याय या मुगल सराय स्टेशन, जिसके लिए यहाँ से इतनी आसानी से ऑटो नहीं मिलती है। काफ़ी वॉक करने के बाद एक पॉइंट से ऑटो मिलती है। हालांकि हमारे पास टाइम था, 1.5 घंटा टाइम था, और मुगल सराय तक ऑटो में 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, पर वहाँ के दो लोकल्स को पूछने पर वो हमें ईजिएस्ट वे बताए और अपने हॉटस्पॉट शेयर करके बोले, और ऑटो के झमेले में ना जाके सिर्फ वहाँ से एक ओला बुक करने के लिए। आते समय ना इन्हें कुछ पैसे आप 100-200 रुपए दे देना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। और बस आधे घंटे लगे कैब में वाराणसी से दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने में। तो सोच रहे थे कि टाइम पर पहुंचेंगे या नहीं, पर अभी 10 बजा है और हमारी गाड़ी यहाँ से लगभग 11 बजे की है, तो पहुंच गए हैं मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन 10 बजे। अभी भी प्लेटफॉर्म नहीं पता ही आता, तो ऑल वेंट वेल फाइनली, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, सब टाइमली ठीक से हो गया, एंड ऑल वेल दैट एंड्स वेल। सवा 10 बजा है, 11 बजे 10:55 को हमारी गाड़ी है यहाँ से और वहाँ से घर वापस। आई विल एंड दिस ब्लॉग ओवर हियर एंड मिलेंगे और एक सफ़र में और एक नए ब्लॉग लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।